आज आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले रखा गया है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पहले गुरु का दर्जा प्राप्त महर्षि देव व्यास का जन्म हुआ था। इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु की पूजा आराधना की जाती है। गुरु के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गुरु हमें अंधेरे से उजारे की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व सम्मान और सच्ची निष्ठा और समर्पण का भाव हमेशा रहता आया है। वेदों की रचना और शिक्षा देने वाले महर्षि वेद व्यास को हिंदू धर्म में प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया था। इसी कारण से हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर रायबरेली के गायत्री शक्तिपीठ पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको बताएं कि गुरु पूर्णिमा के दिन वहां पर हवन पूजन कार्यक्रम एवं भंडारे का भव्य आयोजन किया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रायबरेली के गायत्री शक्तिपीठ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। S7 के लिए आकाश बारी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम है और यहाँ पर हम परिव्राजक के रूप में कार्यरत हैं। आज कहाँ पे कीजिए, क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया है और यहाँ पर सुबह से यज्ञ चल रहा था 8 बजे से। उसके बाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया जिसमें 151 पौधे बांटे गए, फलदार वृक्ष थे जिसमें। इसके बाद में हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संस्कार जो संपन्न कराए गए और जिसमें अन्नप्राशन, कुलसमन, मुंडन और दीक्षा संस्कार जैसे करीब 20-25 संस्कार संपन्न कराए गए। इसके बाद में भंडारा अनुरोध चल रहा है और ये लगभग जब तक भी लोग आते रहेंगे ये भंडारा अनुरोध चलता रहेगा। हमारा नाम वीवी सिंह है, हम जिला समन्वयक है यहाँ गायत्री परिवार रायबरेली में। पूरे जिले का कार्य देखते हैं और ट्रस्टी भी हैं इस गायत्री शक्तिपीठ के। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये केंद्र है गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली, पूरे जिले का केंद्र है। यहाँ लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 15 दीक्षाएँ हुई, 3 पुंसवन संस्कार हुए और 1 अन्नप्राशन संस्कार हुआ और 3 नामकरण संस्कार हुए। और इस प्रकार जो है आज संस्कार भी काफ़ी हो, यज्ञ हजारों लोगों ने यज्ञ किया और ये क्रम सबके लिए भोजन प्रसाद यज्ञ की व्यवस्था आज की गई थी। और इस कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अधिक से अधिक लोगों ने गुरुदेव के बारे में जाना, गुरुदेव की स्मृति के बारे में जाना, गुरुदेव का साहित्य देखा, गुरुदेव का साहित्य प्रसाद रूप में ले गए, भोजन प्रसाद यहाँ ग्रहण किया। और यहाँ जो हाल बना हुआ है विवेकानंद हाल जो है जिसमें गुरुदेव का पूरा साहित्य रखा हुआ है जिसको हर आदमी देख सकता है, अवलोकन कर सकता है, सबके लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। मीना सिंह हूँ। आज गायत्री शक्तिपीठ पर हमारा जैसे गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सारे भक्तगण सारे शिष्य आते हैं और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो आज गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बहुत सारे भक्त पधारे यहाँ पर, खूब सारा बड़ा भंडारा हुआ। हमारा ब्रह्मभोज साहित्य लगा जो आधे मूल्य पर उपलब्ध है सब जन के लिए, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया। और 16 संस्कार जो हमारे यहाँ कहा गया है, ऋषि मुनि जो 16 संस्कार दे गए हैं जिन संस्कारों के माध्यम से ही धरती पर स्वर्ग का अवतरण और हर मानव में देवत्व के उदय की संकल्पना की गई है, तो उन संस्कारों को भी यहाँ पर किया गया। विवाह संस्कार नहीं हुए हैं आज, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है और सारे संस्कार अन्नप्राशन और विद्यारम्भ संस्कार और दीक्षा संस्कार बहुत सारे बहुत तादाद में और अन्नप्राशन गर्भोत्सव संस्कार जो आज हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य, ये सारे संस्कार हमारे गायत्री शक्तिपीठ पर आज कराए गए हैं। मेरा नाम अभिदल मिश्रा है, मैं यहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली में यहाँ का शहर का यहाँ पे टीम लीडर हूँ, यूथ का टीम लीडर। तो हमारे यूथ जो आज का रायबरेली में वहाँ पे आज गुरु पूर्णिमा के पर्व के दिन आज यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में सुबह यज्ञ हुआ, गुरु पूजन हुआ, उसके बाद फिर तरु पुत्र पूजन हुआ। हमारे तरु मतलब हमारे वृक्ष का अभियान, यहाँ कम से कम 150 से ज़्यादा वृक्ष आए थे
जो कि सबको पूजन के बाद सबको वितरित किए गए रायबरेली शहर में ही, और बाकायदा उनसे डिटेल भी ली गई कि कहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, उनको जीवित रखा जाए, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। और अभी 17 तारीख को यहाँ पे 2400 पौधे और आने हैं, तो उसका भी पूरे रायबरेली में हम जहाँ तक पहुँच सकेंगे हम लोग, हमारी टीम लीडर जो मैं की हूँ यहाँ पे यूथ का, तो उसके अलावा हम लोग लोगों तक पहुँचा के यहाँ पे वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे।